खुदाई करवाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद यह फैसला दिया कि जिस स्थान का विवाद था वो स्थान श्री राम जन्मभूमि ही है। जय भगवान गोयल कट्टर शिवसेना कार्यकर्ता है। बाबरी मस्जिद को गिराने के समय ये शिवसेना के उत्तर भारत से अध्यक्ष थे। कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के आशीष से बातचीत के दौरान शिवसेना द्वारा जिस ढंग से बाबरी मस्जिद को गिराया गया उसके बारे में बताते हुए जय भगवान काफी गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हीं के शब्दों में, हम लोग थोड़ा सा तुगलक विचारधारा के हैं, आक्रामक है हमारा काम करने का स्टाइल। लोग जो बहुत पहले से खाते बात को विचारधारा के हैं, क्रामक है हमारा काम करने का स्टाइल। तो हम चाहते थे वो टूटे अलग मन से बनेगा ना वहाँ बिल्कुल। और जब इन्होंने विश्वविद्यालय के लोगों ने बीजेपी के लोगों नारा दिया था लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो हमने नारे का बदल दिया सड़कों पर, लाठी गोली मारेंगे मंदिर वही बनाएंगे खाएंगे। तो हमने उसी वक्त फिर लोगों की भावना लगे मोड़ गर्म कर दिया, सरकार की धार को मोड़ देंगे, रास्ते को तोड़ देंगे। हमने ये उद्घोष दिया और ये उद्घोष देकर पूरी हमने योद्धा पर कर्मा कर दी। जितने आस पास 2000 में संख्या हुए जो भी दिन था, चाहे बीजेपी का था, चाहे वो शिवसेना का था, या बजरंग दल का था, जो भी था, जो नौजवान था, सब हमारे साथ हो गया। ये बात सही कह रहे हैं। क्या कहा था एक्चुअल सर आपने? एक्चुअल गंगा की धार को मोड़ देंगे और ढांचे को तोड़ देंगे। ये हमारा उद्घोष था उस वक्त। 200 हिंदुओं को मार दिया गया, उसकी न्यूज तक की टीवी चैनलों पे अखबारों पे आने नहीं देते। शिवसेना के नेता अपने उग्र भाषणों से आंदोलन में हिस्सा लेने वाले युवाओं को भड़का रहे थे। गंगा की धार को मोड़ देंगे और ढांचे को तोड़ देंगे। गोयल ने आगे बताया कि वह पूरी तरह से मस्जिद को तोड़ने के लिए हथियारों के साथ तैयार थे। थोड़ी थी, गैसियां थी, लोहे की सफल होती है वो थी, रस्ते थे, सब इंतजाम हम लोगों ने किया था। हमारे जो लोग थे पहले से तैयारी थी, तैयारी थी बिल्कुल। लेके आए थे वहां सब, मतलब अयोध्या में आप लोगों ने लिया या कहीं? अयोध्या में, अयोध्या। अच्छा, अयोध्या में सब सामान पहुंच रखा था पहले से, जो हमारे लोग थे दाती थे हमारे, और सब लोगों का प्रबंध किया। में काफी लोग थे, प्रधान थे और मैं उत्तर भारत में प्रमुख के नाते था, पवन पांडे जी थे, सारे नॉर्थ इंडिया के लोग थे। मीटिंग में क्या सर डिसाइड हुआ? ये नॉर्थ रेवेन्यू में हुई शायद ये मीटिंग, शायद यही हुआ था कि ढांचा टूटना है उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ढांचे पर उसके बाद बख्शा नहीं, तो उसके बाद फिर सब लोग कार सेवा होगी तो फिर तरह स्टाइल में होगी। जय भगवान गोयल ने रिपोर्टर को यहाँ तक भी बताया कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसका निर्णय नवंबर में ही देश की राजधानी के नॉर्थ एवेन्यू में लिया जा चुका था। उसके बाद लगातार कई बैठक बाल ठाकरे के साथ हुई जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराने की रूपरेखा तैयार की गई। गोयल ने कहा
ठाकरे साहब का रोल ये था कि टूटना चाहिए, ये भावना थी टूटना चाहिए। मुरेश्वर साहू जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसका थोड़ा विस्तृत किस तरीके से क्या था, ठाकरे साहब का क्या रोल था, आप लोग कांटेक्ट में थे? ठाकरे साहब का रोल ये था कि टूटना चाहिए, ये भावना थी टूटना चाहिए। किसी ठाकरे साहब से कभी मीटिंग हुई इस मुद्दे को लेकर? दो बार, 50 बार रोल मीटिंग ऑफ डिसीजन के साथ, मतलब मुंबई साहब से तो मेरा घर जैसा चलन था जी, और एक तो खूब मीटिंग जी। हेलो, हाँ एक मिनट ना, एक मिनट, एक रोल करवा देना क्या? और दिनेश आ रहा है ना, दिनेश आ रहा, दिनेश यही आ रहा है तुम्हारे पास। दिसंबर में सर कोई मीटिंग हुई था सर, सर लीड कौन कर रहा था आपके सेना में? आप लोग रिपोर्ट अगर करते हो जी, जय भगवान गोयल आगे खुलासा करता है कि वह और मोरेश्वर सावे उत्तर से आंदोलन का संचालन कर रहे हैं। इसके बाद गोयल ने शिवसेना की योजना पर से पर्दा हटाया, मस्जिद पर चढ़ने और उसे गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, और अगर किसी कारण उनकी योजना असफल भी हो जाती तो प्लान बी के रूप में उनके पास डायनामाइट थी। हम नैना राज में लेके गए थे जी, अगर जो पर से सो रहा थे जी, इस तरह से गए थे जी। तो कौन कौन इसके लिए कुछ लोग डिस्प्यूट किए होंगे इस टाइप का नाम? देखो मैं कह रहा हूँ ना जो जी, हमारे पास जाना माइक था जी, और वो नैना नाट होता नाट के तौर द्वारा हम उसको जाना माइक लाते बुला दे इस तरह से हम लोग। हाँ कुछ लोगों ने तैयारी की थी, कैंप लगा था, कैंप लगा तैयारी की थी लोगों ने, कैसे तोड़ना क्या करना क्या चढ़ना है जी, वो किया था। आप गए सर कैंप? हाँ बिल्कुल, कैंप में क्या क्या होता था, कितने सर मेन मेन जो मुख्य मुख्य लोग थे, करना कैसे है, तोड़ना कैसे है, ऊपर क्या चले, इतनी ऊंची बिल्डिंग है कैसे जाएंगे, सब लोगों ट्रेन दी गई। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।